वेलकम टू क्रियास फैमिली। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज हाउ टू चूज योर करियर। पर हम लोग सिर्फ इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे बल्कि इसका सोल्यूशन भी फाइंड आउट करेंगे। हमेशा की तरह वीडियो के एंड में हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने अब तक अपना फील्ड चूज किया होगा कि मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना या बीकॉम एमकॉम या नर्सिंग, पता नहीं क्या आपने डिसीजन लिया है। बट मेरा सवाल आपसे ये है कि ये डिसीजन आपने कौन से बेस पे लिया है, कहां से आपको ये आइडिया आया कि मैं यही फील्ड चूज करूंगा। अब पहले समझ लेते हैं कि ये आइडियाज आते कहां से है और ये रियलिटी पे बेस्ड है या नहीं है। अभी आपको ये आइडियाज आते हैं या तो फ्रेंड्स रिलेटिव्स या आपके पेरेंट्स से, राइट। अब ये भी समझना जरूरी है कि मोस्ट प्रोबेबली अगर पेरेंट्स से आइडियाज आ रहे हैं तो पेरेंट्स को आइडिया कहाँ से आते हैं। अब सेम साइकिल ना पेरेंट्स के साथ भी फॉलो होता है। मतलब क्या होता है, फ्रेंड्स या रिलेटिव से किसी से सुन लेते कि अच्छा पेमेंट मिला है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सी बार हम लोग घर पे सुनते हैं, अरे शर्मा जी का बेटा पता है इंजीनियर बन गया, पास आउट हो गया, अब उसको 50,000 पेमेंट है। कुछ घर में रहता है, पाटलांचा मुलगा माहिती आहे आता रिसेंटली इंजिनियर झाला आणि त्याला 50,000 पेमेंट आहे किंवा 40,000 पेमेंट आहे। तो पेरेंट्स कैसे इमेजिनरी दुनिया में चले जाते कि मेरा बच्चा भी इंजीनियर होने के बाद उसको 50,000 60,000 40,000 ऐसा पेमेंट रहेगा। अब ऐसे सिनेरियोज में हम लोग को रियलिटी देखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज को समझ लो कि रूमर्स आर स्प्रेड वेरी इजीली। सेकेंड थिंग, अगर उसको 50,000 पेमेंट है तो क्या वो पेमेंट ज्यादा है। देखो 7 years उसने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है, 5 साल उसने एक्सपीरियंस लिया है। अगर 12 साल वो एक ही फील्ड पे काम कर रहा है इंजीनियरिंग टॉपिक को लेके, अपने जिंदगी के 12 साल दे रहा है, तो 12 साल बाद अगर उसको 50,000 पेमेंट मिल रहा है तो ये पेमेंट ज्यादा हुआ या बहुत ज्यादा कम हुआ। अब जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। 100% अगर पास आउट हो रहे हैं तो उसमें से 30% एज ए इंजीनियर जॉब को लग जाते हैं, 20% है वो अपने डैड के बिजनेस में जाते हैं या गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या 2-3 साल ट्राई करते हैं पर उनको कहीं पे भी जॉब नहीं मिलता है। रेस्ट 50% क्या है, जब जॉब नहीं मिलता है तो कस्टमर सर्विस बैक ऑफिस बैक एंड यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। दोस्तों इस टॉपिक में मैं अपना भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अनफॉर्चुनेटली आई वॉज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, 4 साल बाद मुझे रियलाइज हो रहा है कि मुझे भी ये इंजीनियरिंग नहीं करनी है, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दिस, मेरे को यू टर्न लेना है। बट देन अगर मैं घर पे जाके बोल रही हूँ मुझे यू टर्न लेना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, तो तू करना क्या चाहती है, व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। इवन आई वाज नॉट अवेयर दैट पीरियड ऑफ टाइम दैट व्हाट आई रियली वांट टू डू इन माय लाइफ। बट मेरी एक फ्रेंड थी योगिता शिंदे करके और हम दोनों भी सी लैंग्वेज का क्लास पढ़ने के लिए जाते थे। वहां पे जाने के बाद जब मैं प्रोग्रामिंग करती थी ना तो मेरे से कभी वो एरर सॉर्ट आउट ही नहीं हुई। बट देन जब वो करती थी ना तो फटाफट एरर सॉर्ट आउट करती थी। पोस्ट क्लास मैंने एक बार उसको पूछा कि आप कैसे इतना जो भी एरर है सॉर्ट आउट कर लेते हो। पता चला कि इसीलिए काम करने में मजा आता है, इसीलिए पसंद है। उसी तरह मेरे यहाँ पे एक स्कूल ओपन हो गया था न्यू, जिसका नाम था डॉन बॉस्को स्कूल करके, कलवा दीवा, अभी भी दीवा में ये स्कूल है। वहां पे ज्वाइन होने के बाद मैं एज ए रिसेप्शनिस्ट ज्वाइन हुई। मेरा रैपो बिल्डिंग स्किल अच्छा है ये मेरे को पता चला और अच्छा होने की वजह से मुझे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई, क्योंकि मैं अपने इंटरेस्ट की चीज कर रही थी और वो इतनी परफेक्टली कर रही थी कि मैं अपने एज के 21 साल की उम्र में ही वो स्कूल की प्रिंसिपल बन गई। अब 2.5 years के बाद मैंने प्रिंसिपल के पोस्ट पर रेजिग्नेशन दे दिया और उसके बाद मुझे जहाँ पे करियर करना था मैं वहाँ पे चल गई। अब वहाँ पे जाने के बाद भी दो में प्रेशर थी, 7 महीने में भी मुझे अथॉरिटीज दिए गए, अम्मी सारे के मिनिस्टर, उनके जैसे ही और भी बहुत सारे ओनर है जिनके साथ मुझे इंडिविजुअली जाके मीटिंग करने की अथॉरिटी मिली। जॉब सेटिस्फेक्शन का तो बात हो गया कि आई एम सैटिस्फाइड विद द जॉब। अब फाइनेंस का बात कर लेते हैं, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो शर्मा जी का बेटा एंड पाटलांचा मुलगा वो आपके दिमाग में रहेगा। अब बेस्ट क्या है, रिक्रूटमेंट। अभी जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और जिनको रिक्रूटमेंट सब्जेक्ट है उनको मैं रिक्रूटमेंट सब्जेक्ट सिखा रही हूँ, सिर्फ वीक में 3 बार 2 आवर्स के लिए, बस इतना ही टाइम स्पेंड करना है। अभी मैं पर स्टूडेंट चार्ज कर रही हूँ सिर्फ 2,000 रुपीज, कम पकड़ लेते ना अमाउंट, सिर्फ 2,000 रुपीज। ऐसे मेरे पास ऑनलाइन 10 स्टूडेंट है, मैं एक टाइम पे मतलब 2 आवर्स के लिए एक ही टाइम पे 10 स्टूडेंट इजीली हैंडल कर सकती हूँ। अभी ये 2,000 अगर मैं 10 लोगों से चार्ज कर रही हूँ तो मेरा मंथली कितना इनकम आ गया, 20,000, और वो भी कितना, सिर्फ 15 दिन में, और वो भी कितना स्पेंड करना है, सिर्फ 2 आवर्स। बाकी का जो टाइम है उसमें मेरे पास और रास्ते हैं जहाँ से मैं पैसा कमा सकती हूँ। तो इसके लिए ना मैं 8 घंटा जॉब पे जा रही हूँ, ना मैं किसी की एम्प्लॉई हूँ, ना मुझे उनके टाइम पे पहुँचना है, ना मैं छुट्टी के लिए मुझे किसी को पूछना है, नथिंग। आई कैन लीव माई लाइफ ऑन माई ओन। और ये सिंपल है, बस आपको लॉजिक समझना जरूरी है कि यू हैव टू बी बेस्ट इन व्हाट यू आर डूइंग।
अभी जो मैं चीज बोलने जा रही हूँ ना, ये आपको प्रैक्टिकली जाके एक्सपेरिमेंट करो, आपको खुद को एक्सपीरियंस आ जाएगा। मेरा एक भाई है जिसको साइंस में 84% टॉप कॉलेज में इंजीनियरिंग किया है, एज अ मैकेनिकल इंजीनियर अभी ऐसे कंपनी में काम करता है जो 100 साल पुरानी कंपनी है, इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब 4 साल इंजीनियरिंग के, 4 साल जॉब एक्सपीरियंस, टोटल कितना हो गया 8 ईयर्स। अभी 8 साल में इसका करंट सैलरी जो है दैट इज ओनली 28,000। अभी 8 साल अपने लाइफ के इन्वेस्ट करने के बाद 28,000 ज्यादा है या बहुत ज्यादा कम है, इस बारे में सोचो। अब वो भी यूटर्न लेना चाहता है, पर उसके लिए अभी ये मुश्किल हो रहा है क्योंकि उसके ऊपर फ्लैट के ईएमआईस चल रहे हैं, फैमिली रिस्पांसिबिलिटीज है। अब इससे रिलेटेड और एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं सचिन तेंदुलकर जी का। उन्होंने क्या किया है, जिंदगी के 24 ईयर्स, मतलब 24 साल जिंदगी के उन्होंने क्या किया, एक बॉल को हिट किया है, दैट्स इट, एक बॉल को हिट किया है। पर वो उनके इंटरेस्ट की चीज है और उन्होंने अपने वो जो हिट करने की स्किल है ना उसको शार्पन किया है, उसकी वजह से आज क्या है स्टेटस, टुडे ही इज दी सचिन तेंदुलकर। और थोड़ा रियलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। जब मैं ये वीडियो कर रही थी ना, तो मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ और मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ कांटेक्ट किया। अब क्या रहता है, बहुत सारे हाउसवाइफ रहते हैं ना, उनके साथ आप भी जाके बात करो, आपको और क्लियरिटी आएगी। जब मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो मुझे आउटपुट ऐसा मिला, जब मैं उन लोग से बात कर रही थी ना, द वे दे आर डिस्क्राइबिंग अबाउट देयर पास्ट लाइफ, दे आर वेरी हैप्पी। मतलब वो पूरा डिस्क्राइब कर रहे थे, मैं इसमें अच्छी थी, मैं ये अच्छा करती थी। अब कहीं ना कहीं वो दिख रहा था कि दे आर मिसिंग समथिंग एंड दैट इज देयर करियर। तो मैंने उनको पूछा कि आपने फिर आगे करियर कंटिन्यू क्यों नहीं किया। तो जब मैंने ये सर्वे किया तो वहां पे 90% जो रिप्लाई था ना, दैट इज अबाउट द चाइल्ड, बच्चे के वजह से मैं आगे करियर नहीं कंटिन्यू कर पाई। नाउ ह्यूज रिस्पेक्ट टू ऑल दी हाउसवाइफ, ह्यूज सैल्यूट टू ऑल ऑफ देम, कि वो लोग जो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ना, वो मैं खुद भी कॉम्प्रोमाइज करने का नहीं सोच सकती। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं ये चीज के लिए। अभी यहाँ पे रियलिटी देखना बहुत जरूरी है। देखो, यू ऑल्सो आर गोइंग टू गेट मैरिड, आपका भी फैमिली स्टार्ट होने वाला है कुछ साल के बाद, तो इसके बारे में अभी से सोचना जरूरी है कि नहीं। स्टार्टिंग से ही आप ये चीज के लिए प्रिपेयर हो, प्री प्लान हो, तो कैसा होगा। मैंने वो एग्जांपल दिया था, आपको याद है 20,000 वाला, जहाँ पे आप सिर्फ 2 आवर्स क्लास लोगे, तो वहां पे क्या होगा, ना आपका हाउस कॉम्प्रोमाइज होगा, ना आपका फैमिली कॉम्प्रोमाइज होगा, ना आपका करियर कॉम्प्रोमाइज होगा। अभी आप लोग खुद से एक सवाल पूछो, आपको जो चीज पसंद ही नहीं है, क्या आप वो 25 ईयर्स 30 ईयर्स तक काम कर पाओगे वो चीज में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको दाल चावल परोस रही हूँ डेली आपके थाली में, आप डेली वही दाल चावल खा पाओगे। सिमिलरली जो चीज करने में मजा ही नहीं आता है, इंटरेस्ट ही नहीं है, वो चीज आप 25-30 ईयर्स तक कर सकते हो डेली। कभी कभी क्या होता है, मेरे स्टूडेंट जब अपना इंटरेस्ट का चीज ढूंढते हैं ना, तो उनका बहुत बार ये भी क्वेरी आया, मैम मेरे को फुटबॉल भी पसंद है, क्रिकेट भी पसंद है, और मुझे कुकिंग भी पसंद है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एग्जांपल अगर आपको फुटबॉल पसंद है, और देखो आप कितना टाइम उसमें स्पेंड कर सकते हो, थोड़ी देर बाद आपको लगा कि नहीं नहीं मेरा पैर दर्द कर रहा है, आई एम डन, सो यू आर नॉट दैट इंटरेस्टेड। सेकंड चीज देखो, अगर आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है, देखो 3 आपने डिश बना दिए, उसके बाद आपको लगा कि नहीं नहीं ये तीनों डिश में जो मैंने इंग्रेडिएंट डाले हैं ना, उसको मिला के मैं और एक इन्वेंशन कर सकता, वो जिद है करने की, देन कुकिंग इज योर फील्ड। अब आपको इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा, जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे। थोड़ा सा डीप जा रही हूँ इसमें, लेकिन अगर आगे के 25 ईयर्स 30 ईयर्स सिक्योर करना है और खुशी से जीना है, तो लॉजिक को समझ लो। 10 डेज 15 डेज 20 डेज और माइट बी 1 मंथ, इट्स ओके, टेक योर टाइम टू चूज योर करियर। क्योंकि आप टाइम स्पेंड करोगे तो मेक श्योर कि आप ओपन स्पेस प्रिफर करो, कोई माउंटेन एरिया है या ग्रीनरी है जहाँ पे शांति है, इट्स ओके, जाके बैठो वहाँ पे 3 घंटा 4 घंटा 5 आवर्स, इट्स ओके। आगे के 25 साल 30 साल रोने से अच्छा है कि लाइफ के 10 डेज 15 डेज या 1 मंथ इस तरह से स्पेंड करो। अगर आपको 80% अगर आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है, 20% आप फिर भी कंफ्यूज हो, तो मैं अपना ईमेल एड्रेस शेयर कर रही हूँ, यहाँ पे आप आपका क्वेरी रेज कर सकते हो, डेफिनेटली मैं आपको इसमें हेल्प करूँ। दोस्तों, अगर आप चाहते हो मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करूँ, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आती जाए, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि मैं आप लोगों के साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज भी शेयर करूंगी, तो हाँ, मेरे पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो ये मेरा ईमेल एड्रेस है, इसके ऊपर आप आपका रिज्यूम शेयर कर सकते हो, और ये सब सर्विस आपके लिए कम्प्लीटली फ्री है। एंड ऑलवेज इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।